और मैं शेयर करूंगी आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स ऑन सेलिब्रिटी न्यूज, व्हाट्स ट्रेंडिंग और बहुत कुछ। तो आइए अपने शो का आगाज करते हैं एक अच्छी बात से। हम सब शिकायतों का एक ड्रम है, हमारी हर बात में अफसोस और गिला शामिल होता है। कभी हम मुल्क की सियासत को लेकर परेशान होते हैं तो कभी अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बेहतर चाहिए तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर नॉट फ्री। सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक काम स्टार्ट किया उसमें रिजल्ट्स ना नजर आए थे दूसरे पर लग गए। हर चीज़ को टाइम दें और शुक्र करें, अल्लाह रास्ते आसान करता जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर एंटरटेनमेंट बस। द फर्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। जेंटलमैन ग्रीन एंटरटेनमेंट का आने वाला स्टार स्टडेड ड्रामा सीरियल है जो जल्द ही चैनल पर नशर होगा। इस ड्रामे की हदायत हसाम हुसैन ने दी है। ड्रामे के प्रोड्यूसर्स हैं समीना हुमायूं सईद और सना शाहनवाज। पाकिस्तान के नामवर मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर ने इस ड्रामे की कहानी लिखी है। ड्रामे में एक बासलाहियत कास्ट शामिल है जिसमें जाहिद अहमद, सुहाया अली आबरो, अहमद अली भट्ट, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और यमुना जैदी जैसे सितारे शामिल हैं। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में एक गुंडे की कहानी पेश की गई है जो शरीफ लोगों के साथ जंग में है। आज आने वाले ड्रामा सीरियल का दिलकश टीजर ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। टीजर जेंटलमैन की शदीद कहानी की बसीरत फराहम करता है। फैंस आर मच एक्साइटेड फॉर द ड्रामा रिलीज। ये ड्रामा वाकई में एक मास्टरपीस होगा। हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी को 4 साल बाद एक साथ इस ड्रामे में देखा जाएगा। लेट्स वेट फॉर द मैजिक। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। हाल ही में काफी लोगों ने सवाल उठाए कि सिर्फ मेन लीड्स को ही ड्रामास के पोस्टर पर ऐड किया जाता है। फैसल कुरैशी एक इंटरव्यू में बताते हुए रो पड़े कि खालिद भट्ट ने उनको कॉल की और कहा कि ये पहला पोस्टर है जिसमें मेरी तस्वीर लगाई गई। जी हाँ, खालिद भट्ट साहब इज नॉट इन द वर्ल्ड। मीनवाइल फहद शेख पॉइंटेड आउट द हिपोक्रेसी ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री। ही टोल्ड दैट फर्स्ट ही वाज ऑन द पोस्टर ऑफ ड्रामा सीरियल जलन बट लेटर ऑन रिमूव्ड। एक्टर्स को तवज्जो मरने के बाद नहीं बल्कि पहले भी मिलनी चाहिए। इट्स हाई टाइम वी सेलिब्रेट आवर एक्टर्स एंड दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। द निकाह डिबेट इज फाइनली ओवर। ये डिबेट शुरू हुई एक रमजान ट्रांसमिशन में जहां एक मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर ड्रामों में निकाह किया जाए तो वो असल में हो जाता है। बहुत से एक्टर्स ने इस बात का मजाक बनाया तो दूसरी तरफ कुछ एक्टर्स ने संजीदगी का इजहार भी किया। कुछ उलेमा ने कहा कि अजाबो कबूल की बजाय सिर्फ लिपसिंग की जाए तो वो बेहतर है इस तरह के मसलों से बचे रहने के लिए। शिया फिका ने कहा कि इस तरह निकाह नहीं हो सकता। एहसन खान की ट्रांसमिशन में कोकम नूरानी साहब ने कहा कि फर्जी नामों के साथ निकाह नहीं हो सकता। ऐसा एक वाक्या पहले भी पेश आ चुका है जब उस्मान पीरजादा ने समीना पीरजादा को ड्रामे में तलाक दी थी तो लोगों ने कहा कि उनकी असल में भी तलाक हो गई है। वी स्टिल रिकमेंड कि हमें ऐसे मामलों को मजाक नहीं बनाना चाहिए और इस सारे मामलों को संजीदगी के साथ देखना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की बनाई हुई हदूद है और हमें इनका एहतराम करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। मॉर्निंग शो होस्ट ने बताई अपनी आपबीती। मॉर्निंग शोज पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। नादिया खान, शाइस्ता लोदी एंड निदा यासिर केम टुगेदर टू डिस्कस हाउ दे आर बुलेट बाय सेलिब्रिटी गेस्ट। कभी कभार उन लोगों को आपसी दुश्मनियां संभालनी पड़ जाती तो कभी एक्ट्रेसेस के मूड स्विंग्स के साथ लड़ना पड़ता। उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेकअप आर्टिस्ट को लेकर भी मसले चलते थे और ये भी कि कभी उनको घर से कॉल आ जाती थी। इन मुश्किल हालात में वो अपने आप को कंपोज रखती हैं और शो को आगे बढ़ाती हैं। वेल अ बिग शाउट आउट टू दीज लेडीज हु हैव डन एन अमेजिंग जॉब ऑल दीज इयर्स डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्टोरी जिसमें हम बात करेंगे सनम जंग के बारे में। सनम जंग ने दिया सब लड़कियों को एक पैगाम। उन्होंने कहा कि कोई भी लड़की बाहर शादी ना करवाए क्योंकि फिर उसको अपनी अम्मी की, अबू की और वो लोग जो उनको पसंद भी नहीं है उनकी भी याद आएगी। सनम जंग हरसेल्फ लिव्स इन यूएसए विद हर हस्बैंड कसाम। वो काफी बार बाहर रहने की हार्डशिप्स को एक्सप्लेन कर चुकी हैं। कंसीडरिंग द सिचुएशन हियर इन पाकिस्तान आवर यंग जनरेशन वांट्स टू गो अब्रॉड। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख पढ़े लिखे लोग अब्रॉड मूव कर गए हैं। वेल लेट्स सी इफ द टाइम चेंजेस एंड आवर बिलव्ड पीपल कम टू देयर होमलैंड विद ईज। पाकिस्तान के नामवर मुसन्निफ कौन था? नहीं, ये कहानी लिखी है। पाकिस्तान के, इसको डिलीट करो, मैं इसके बाद अच्छा वाला देती हूँ टेक प्रॉमिस। एक बासलाहियत कास्ट है जैसे कि इस ड्रामे में एक बासलाहियत कास्ट है जैसे कि जिसमें इस ड्रामे में एक बासलाहियत कास्ट है
जिसमें